हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सब कुछ है। अपनी डिस्क्रिप्शन पे या अपनी मतलब सोच समझ के विचार से इस रीडिंग को ऑब्जर्व कीजिए। रीडिंग पॉजिटिव हो तो उसको एब्जॉर्ब कीजिए, बस इतनी रिक्वेस्ट है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके साथ जिनके नहीं आए ना उनके साथ में हूँ, ज़्यादा हूँ। तो मतलब सी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील, पॉजिटिव इन द सेंस कि एनर्जी पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ ले रही है। बार बार मेरी रीडिंग में अबंडेंस आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। एनर्जीज़ आपकी पॉजिटिव हो रही है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रख रही है। डे बाय डे आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है मुझे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हीलिंग, यही इसी वजह से तो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि इनडायरेक्टली सही, छोटे से लेवल से ही सही, बट आपकी हीलिंग हो, उस प्रोसेस में कोई मदद हो, बस वो एक फीलिंग है। और इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग के काफ़ी लोगों को रिजल्ट आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम, बात करने की बेचैनी, मुझे जिस तरह से अभी वो कैंडल बुझते बुझते अचानक से लाइट हो गई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे अचानक से कुछ होने वाला है, अचानक से उनकी तरफ से मूवमेंट अचानक से होगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा इस वक्त उस तरीके से। फ्लेम काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इशारा कर रही है कि आपके लिए जो इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा जाग रहे हैं। आपकी आपके लिए ना एक मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पे आपकी बहुत कदर फील हो रही है, आपका एहसास जैसे कि जैसे ना आपका जैसे ना आपको गले लगाना या फिर आपकी बात सुनना, आपका हाथ पकड़ना, आपकी बातें सुनना, आपकी आपको बस देखते रहना, ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा एक मिस की जा रही है, क्योंकि उसमें ना एक फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा ना एक अजीब सा सुकून है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेटर वी बना है, मून की एनर्जी है एंड मुझे बटरफ्लाई की बटरफ्लाई भी दिख रही है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। इनका जो नेचर है ना कि बातें छुपाना, अपनी ही चलाना, जिद में, ईगो में, हर चीज़, अभी हर चीज़ जो उनकी तरफ से थी ना, जैसे एक रिटर्न मिल रही हो, रिटर्न लेटर यू दिख रहा है, आई दिख रहा है, ये रेशमा किसी का नाम है समाव मुझे फील हुआ। मुझे ना एक कोई इवेंट नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई इवेंट अटेंड कर रहा है लेकिन कोने में बैठा है, या होते हुए भी एक नहीं सी एनर्जी फील हो रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा ना कि अपने कामों में, अपने चीज़ों में ज़बरदस्ती की मेहनत चल रही है, ज़बरदस्ती की, जैसे कि आपको मतलब समाओ से मुझे लग रहा ना कि यूनिवर्स की तरफ से मतलब इशारे मिल रहे हैं ना कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका नाम दिखना या कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो वो परेशान होते हैं और अपने आप को ना काम में किसी और चीज़ में उलझा के रखे हैं या रखते हैं,
बहुत कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा कि आपके तरफ आपके बारे आपकी तरफ ना आए, आपके बारे में ना सोचे। टू नंबर यहाँ पे काफी प्रोमिनेंटली बना है, थ्री नंबर बना है। मुझे ना बार बार ऐसा 30 नंबर दिख रहा है समाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो 30 मार्च को या 30 मार्च के बाद कुछ मेजर इवेंट होने वाला है, या फिर इनका अचानक से आना या कुछ मैसेजेस वगैरह कुछ वो होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। 7 नंबर का 7 नंबर दिख रहा है मुझे। 3 नंबर और जैसे त्रिशूल का जैसा साइन बनता है वैसे भी बन रहा है, तो डेफिनेटली महादेव की कृपा है। मून काफी ज्यादा दिख रहा है। मून जो क्रिसेंट मून होता है ना, वो मुझे फील हो रहा है ना कि बहुत इमोशनल है। रातों को स्पेशली मिस किया जाता है। रातों को जब इंसान है ना, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब अलग चीज़ नहीं है, या फिर जब भी कर रहे हैं ना, सपोज कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ दे मतलब कुछ भी जो काम कर रहे हैं ना, उसमें वहाँ पे मन नहीं लगता। जैसे कि वो एनर्जी, वो वक्त है ना, वो वक्त उनको ना ना काटने को दौड़ता है कि आपकी आपके ख्याल, आपकी यादें उनसे, मतलब जैसे ना रात नहीं कटती उनकी, क्योंकि आपके ख्याल बहुत सताते हैं। जो मशरूम दिख रहे हैं, आई डोंट नो कि मशरूम आपको पसंद है, उनको पसंद है, समाउ फील हो रहा है। एक फैन की एनर्जी भी आ रही है, फैन हैंड फैन होता है ना, वो वाली फीलिंग है। तो आई थिंक ये किसी नक्षत्र का सिंबल है ना, राइट? तो नक्षत्र किसी का वो हो सकता है। चेन ऑफ इवेंट्स दिख रहा है, लाइक ना चेन ऑफ इवेंट्स। मुझे एक जगह पे ऐसा ना माला भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक मुझे कमिटमेंट मैरिज की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। इनके इमोशंस ना काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मजे की बात क्या है मालूम है, इनके इमोशंस मुझे जितने स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, उतने ही आपके इमोशंस ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस हो गया मतलब पता नहीं क्या सोचे, या यूनिवर्स क्या अभी क्या सोचना चाहते हैं। मतलब आपका ना ऐसा लगता है कि माइंड बहुत ऐसा ना कंफ्यूज है कि ये आएंगे तो मतलब आप क्या सोचेंगे, लाइक कैसे विश्वास करेंगे, और आगे क्या, वापस वही रिपीटेशन, या कुछ ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है, या फिर आप ना इंतज़ार करके थक गए ना, तो शायद ऐसा लगता है ना कि आने की खुशी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। जिनको काफ़ी अरसे के बाद कॉल मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो उनको उनकी एनर्जी तो ऐसी है ना कि मतलब ऐसे ना एक अजीब सी फील ही नहीं हो रहा है कि भाई खुशी होनी चाहिए। मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको रिझाने में, विश्वास दिलाने में, और वो करेंगे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि इस रिश्ते में जो एक मिसिंग पार्ट था आपके लिए, जो रिस्पेक्ट या आपकी कदर, वो सबसे ज़्यादा अभी होने लगा है। जो एक सोल कनेक्शन में होता है ना, एक रनिंग एंड चेजिंग गेम, वहाँ से अभी रोल स्विच हो गए। आप है ना अभी रनिंग एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं, आप दुखी हो, तकलीफ में हो, नाराज़गी है, अजीब सा इंतज़ार भी है, लेकिन समाव से लग रहा ना इंतज़ार एक जस्टिस का है, एक कंप्लीशन का है, कि कुछ अधूरा छूट गया सा जैसे लग रहा है दिल में, उसको कंप्लीट होने का। लेकिन आपका ना अभी ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर फोकस ज़्यादा है, आप अपनी दुख में, तन्हाइयों में खुशी ढूंढने लगे हैं, कि अपने आप को पॉजिटिव करने में, अपने आप को रिझाने में, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करने में लगे हुए हैं। और यही सारी चीज़ें ना, यही सारी चीज़ें सामने वाले के जो ना
एनर्जी पे असर डाल रही है, एनर्जी पे मैं बात कर रही हूँ, एनर्जी पे, क्योंकि वो यही तो एक रनिंग चेजिंग गेम होता है ना, कि आपका भागना बंद हो रहा है और उनका भागना शुरू। ये जो एनर्जी आने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, ये एनर्जी इजीली नहीं आती इजीली। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत, लेकिन ना छुपाने वाली एनर्जी बहुत है, कि मतलब कितना कंट्रोल किए हुए। प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन ना अजीब सी एक ना छुपाने की एनर्जी है भाई, कि किस मुँह से जाए, क्या बोले, क्या किस कदर, मतलब अचानक से चले गए थे या कुछ ऐसे सवाल जवाब होंगे, कमिटमेंट का इशू है, तो उस चीज़ का फिलहाल ना कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या फिर किस मुँह से जवाब दे, किस तरह से मनाए। मुझे लग स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके केस में थर्ड पार्टी उनकी मदर है, मतलब पेरेंट्स फील हो रहे हैं, या फिर कुछ बेबी कनेक्शन है। अगेन मुझे डक्स दिख रहे हैं और है ना बर्ड्स भी दिख रहे हैं, डेफिनेटली यस। तो एक्चुअली ना कोई फ्रीडम चाहता है, ऐसे फील हो रहा है, फ्रीडम। इनकी ना मतलब ऐसा लग रहा है ना, समाव जिस तरह से आपके लिए इमोशन फील हो रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि वही सारे इमोशंस है ना किसी ने तोड़ के रखे हैं। कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम से लेके हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डाउन की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे आपके पास आना ना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सुकून मिले, एक अजीब से शांति मिले, अजीब सा एक प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, और एक अलग ही अटेंशन है वो मिले। ये आपकी बातों को, आपकी मतलब जैसे ना अभी आएंगे ना, तो लिटरली आपकी हर बात, आपने क्या बोला था, क्या किया था, हर चीज़ जैसे ना एक यादों में संजो के रखते ना, वैसी एनर्जी है। बहुत दिल से याद करते हैं कि आप तभी आपने क्या पहना था, अभी तभी आपने क्या बोला था। आज मुझे जो फील हो रहा है ना, वहाँ पे आपने जो अगर कुछ दिल तोड़ने वाली बात की थी ना, वो याद नहीं की, जो आपकी अच्छी बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा याद हो रही। हार्ट बन रहा है काफ़ी काफ़ी अच्छे से हार्ट बना है। इस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है डेफिनेटली। इस रिश्ते में जो भी बीच में था, थर्ड पार्टी थी, इनके अपने अपने ही इश्यूज थे, लाइक ना कमिटमेंट फोबिया या कुछ भी हो, हर चीज़ से ना जैसे एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पर्दा उठ रहा है, या फिर चेंज हो रहे चीज़ें, या फिर कुछ शॉक लग रहे, जिसकी वजह से ना उनको मतलब सब चीज़ें ना ऐसे अचानक से सामने आ रही है वाली फील हो रहा है, कि जैसे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो, या किसी का चेहरा हो, या फिर कुछ तो ऐसा फील हो रहा है ना कि जिसकी वजह से, और वो मतलब चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि जिसकी वजह से आपकी तरह झुकाव बढ़ रहा है। मतलब ऐसा ना खुशी हो या दुख, दोनों भी तरीके से ना समाव आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं, आपकी तरफ झुकाव हो जाता है। मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स के वजह से हो रहा है, क्योंकि इनको चेंज करना मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स के अलावा, क्योंकि जब से मैंने इनकी एनर्जीज पकड़ी है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टबन है, बहुत ज़िद्दी। तो वो हर चीज़ है ना बदल के रह जा रही है। यूनिवर्स है ना लिटरली वही चीज़ पे, लाइक ना वही बात पे घाव लगा रहा है, ताकि वो समझे इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। आपको कुछ कंप्लीट करना ज़रूरी होता है उस चीज़ को। आप ऐसे किसी को अधूरा नहीं छोड़ सकते, ऐसे किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते। यस, फीलिंग है इनकी यही चाहत के नाम पे मैं ये रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। मुझे यही एनर्जी चाहिए मैं, कि जिसमें आपके लिए तड़प हो, और बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, कि एनर्जी तो चाहिए लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे से।
जिससे कि डक दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, एट नंबर दिख रहा है, वी लेटर एकदम प्रोमिनेंट है, लेटर सी एल आई यू कहा था ना आई थिंक मैंने, थ्री नंबर दिख रहा है, टू नंबर दिख रहा है, फोर नंबर दिख रहा है, डक हार्ट्स बर्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना समाओ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोस्ट लाइकली आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं 69 नंबर और 222 नंबर या फिर रिपीटिंग नंबर लाइक 10 10 ऐसे चीज़ें आपको दिख रही है। इंडिकेट करें एंजल्स आपको कि आप एंजल्स का ना मतलब जैसे ना आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये बार बार आपको बताना चाहते हैं। तो जब भी आपको एंजल नंबर दिखे तो अपने दिल पे हाथ रह के थैंक यू यूनिवर्स बोलना मत भूलिए, अपनी विश मांगिए, सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, फॉरगिवनेस, ग्रेट, आज का रीडिंग जबरदस्त, और द रेनबो रिवाइवर लास्ट कार्ड, द गार्डनर बॉटम वाला डेक है, द लव। सबसे पहले फीलिंग है ना सिक्योरिटी, वो आई है लाइक अट्रैक्शन है आपके लिए, आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़े रहना चाहते हैं, आपको घंटों ऐसे ना काफ़ी वक्त लेके आप बस बोलते रहो और वो देखते रहे वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। आपको बटरफ्लाइज अचानक से दिखते होंगे वाली चीज़ है, ये न्यू मून है ना वो एनर्जी पे काफ़ी असर कर गया है, बहुत ज़्यादा असर कर गया डेफिनेटली। चीज़ें ना एक नई से शुरुआत हो रही है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोगों में सबके साथ रेजोनेट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की नींव रखी जा रही है, कहीं ना कहीं थोड़े लेवल की ही शुरुआत हो रही है कि जो अनफिनिश बिजनेस है ना, अनफिनिश क्या बोलते हैं उसको, जो अभी तक ना कंप्लीट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, हर चीज़ चेंज हो रही है, चेंज हो रही है डेफिनेटली। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप मतलब मिलने की एनर्जी है, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन समय ऐसा ना मतलब कि खुद को बहुत रोके हुए, क्योंकि काफ़ी सारे मून की एनर्जी मुझे फील हुई, इनको ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि हैंगमैन की एनर्जी उनकी, जैसे उल्टा लटका के रखा हो, ताकि ये दुनिया को अलग नज़रिए से, अलग तरीके से देखें, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उनको समझना चाहिए कि भाई एक जिद एनर्जी नहीं होती, एक सैक्रिफाइस एनर्जी भी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि इनका इनका आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके ना किसी कंपैरिजन की वजह से ऐसा लग रहा है ना कि इनको लग रहा है कि आप उनके लिए जैसे सोचते हो, करते हो और देते हो, हर चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करते हैं कि एक दूसरे के लिए बने हो, वो कितने गलत सही, वो कितने कितनी गलतियाँ करते हैं या किसी भी तरह है, लेकिन जिस तरह से आप उनको समझ सकते हो या उनके लिए जो करते हो वो खास है, ऐसा लगता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। और बेसिकली मैंने कहा ना माफ़ी मांगने की, कि किस मुंह से माफ़ी मांगूं, बट समाओ ऐसा लग रहा ना कि ऐसा लग रहा कि ऊपर वाले की तरफ देख के ऐसा माफ़ी मांगते होंगे कि मैंने उस इंसान को बहुत हर्ट किया है, गलत किया है, वो वाली एनर्जी हो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए, ताकि आपकी एनर्जी, आपके दिल पर जो बोझ है ना वो ख़त्म हो, यूनिवर्स उनके तरफ जो करेगी वो करेगी, बट रिक्वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप ये करके देखेंगे ना तो आपको फ़र्क बहुत समझेगा कि आपके लाइफ में ना काफ़ी सारी रुकी हुई चीज़ें फ्लो होने लगेंगी। ये इस रिश्ते पे अभी मेहनत करना चाहते हैं, लाइक ना ये गार्डन की एनर्जी है ना, उसे मतलब बेसिकली एक हरियाली, ग्रोथ, एक खुशहाली आना करना चाहते हैं ना, तो ये इस रिश्ते के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इस चीज़ के लिए गार्डन ऐसे नहीं उगता, ये जंगल नहीं है, ये गार्डन है, तो उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो करना चाहते हैं। और द रेनबो रिवाइवर, तो ये जो अंधेरा है, ये जो सेपरेशन है, उसमें अभी रंग भरेंगे, और मे बी होली के वक्त तक कुछ ना कुछ हो जाए, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि होली के रंग हो, आई होप
कि वैसा ही हो, क्योंकि वैसे भी होली मतलब फुल मून की एनर्जी होती है, तो मुझे लगता है कि ये न्यू मून टू फुल मून और उसके बाद का फुल मून, मतलब ये जो फुल मून गुजरने के बाद अगेन एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी बहुत हो जाएगी, जिससे ना हर बात पे उनको ना एहसास किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि भाई तुम सोचो, भाई तुम ये करो, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ भी चीज़ जैसे आपकी तरफ इशारा ज़्यादा करेगी, ये बहुत फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।